संसार क्रांति की टीम मौजूद है नागरिक अस्पताल में, जहां एक उपमंडल का गाँव है खेड़ा खेमावती, जहां मनरेगा के तहत कार्य किया जा रहा था, वहां एक मिट्टी का तोंदा गिरा है और मिट्टी का तोंदा गिरने की वजह से दो महिलाओं की मौत हो गई है और तीन को यहां चिकित्सकों ने रेफर कर दिया खानपुर के लिए और पांच महिलाएं पूरी तरह से जख्मी हैं। हमारे साथ मौजूद है नागरिक अस्पताल सफेदों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य विजयपाल जी। विजयपाल जी से हम जानना चाहेंगे इस हादसे के बारे में, इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे विजयपाल जी और किस तरह का ये हादसा हुआ है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है और इससे पूरे हलके के अंदर बड़ा शोक है और इस प्रकार का हादसा बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी पांच महिलाओं का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, दो रोहतक के खानपुर पीजीआई के लिए रेफर की गई हैं, दो इस हादसे में एक्सपायर हुई हैं। और वास्तव में ये गरीब परिवार जो मनरेगा के अंदर काम कर रहा था, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और इस घड़ी के अंदर पूरा प्रशासन, पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है और सारा हलका भी इनके साथ खड़ा है। जितनी मदद जिस प्रकार की इनके लिए होगी वो सभी करेंगे और वास्तव में इस दुख की घड़ी के अंदर प्रभु से ही कामना करते हैं कि जो घायल है उनको जल्दी शीघ्र स्वस्थ लाभ हो और जिनकी डेथ हो गई इसमें उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है और इस हादसे के लिए जितने भी शब्द व्यक्त किए जाएँ बहुत थोड़े। विजयपाल जी, यहाँ कुछ ग्रामवासी हैं जो आरोप लगा रहे हैं सरपंच और मेड की लापरवाही बताई जा रही है कि उसकी वजह से हादसा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सारा जांच का विषय है, पूरी इस केस की जांच होगी क्योंकि कैजुअलिटी ज़्यादा है और जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुँचा जा सकता है। तो जैसे आप सफेदों से बिलोंग करते हैं, पैतृक शहर है आपका और पैतृक आपका गाँव भी पड़ता है खेड़ा खेमती, तो इसके लिए आप सरकार से क्या डिमांड रखें, क्या मतलब? सीधी सीधी बात क्या होती है कि कुछ स्कीम जो सरकार की होती हैं, सरकार से हम उसका बेनिफिट तो इनको दिला ही दिलाएंगे और इसके लिए ये कोई इनकी मांग नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी सरकार इनकी मदद कर सकती है। एसडीएम साहब भी मौके पे हैं और अभी हमने एसडीएम वाणा से ही बात करी है, खानपुर भी बात करी है कि ताकि जो रेफरी है उनका इलाज ठीक प्रकार से हो सके और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी और सरकार इनके साथ खड़ी है और सभी तो हल्के के सभी लोग इनके साथ खड़े। विजयपाल जी, क्या व्यक्तिगत रूप से भी आप कोई मदद करना चाहेंगे इनकी सरकार के माध्यम से? निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आते ही मैंने डॉक्टरों से एक बात करी थी कि भाई किसी को दवाई की या किसी को जरूरत हो, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं, सभी मेरे जानने वाले हैं। अभी रमेश मिस्त्री सभी से बातचीत हुई, गजय सिंह कुंडीर खड़ा जो कि खेड़ा खेमावती से खड़े आज रमेश, इनके परिवार में से ज़्यादा ये कैजुअलिटी हुई है, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा आज नफ्यालो, ये सारे ही मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक हैं और इन गरीब परिवारों पर जो पहाड़ टूटा है इसके लिए हम निजी तो मदद करे ही करेंगे, जो भी सरकार से मदद होगी वो निश्चित रूप से मिलेगी। संसार क्रांति से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। इसकी वजह से हुआ घटना है, किसको दोषी मानते हो आप? छठपुच नरी सिन्हा मेठ ने, इनकी वजह से हुआ है, खुले तनाक से दूंगा बयान। क्या नाम है आपका? जैव गौन। बिस्कुट का काम करेंगे तो क्या होगा? जब भी बिस्कुट का घर में काम करेंगे तो मतलब काम तो पे कर रहे हो जी, बिस्कुट में कौन काम करेगा? तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं इस चीज का? इस चीज के ये हमारे जो काम कर रहे शर्मा पे, ये किसको जिम्मेवार मानते हैं? जो ग्राम सदस्य जो ये सरपंच आया मेड हुआ तो ये काम तो वही के बारे शर्मा पे। क्या नाम है आपका? सुभाष जी। इस हादसे का किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जो इसकी ड्यूटी है जी, ड्यूटी है उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण है। पानी का कैंपर मैंने खुद बेचा है, आपने भी पानी मांगे। आप इस हादसे का किसको जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार जिसकी ड्यूटी बनती है। क्या नाम है आपका? नफे सिंह। इस हादसे का किसको जिम्मेवार मानते हो आप? सरपंच को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। वहाँ पे मौजूद होना चाहिए ना जिसकी ड्यूटी है, पैसे किस चीज के ले रहा है वो वहाँ पे खड़े हो? पीने का पानी नहीं है, सरकार के खाते में चढ़ा दिए 10 कैंपर पानी के आगे वहाँ पे। सर कोई बात नहीं, सारी जिम्मेदारी की बात बाद में करेंगे। जो मिट्टी पड़ी ना उसी पे से ट्राली आ रही थी, जा रही थी खाली और जी। हाँ जी, आपने देखा होगा ना, उसी से ट्राली आ जा रही थी, भरी भी खाली भी धड़कन में सारी पड़ी। जी सर, सब पूरा चेक करवाएंगे, आप कितना बंद करो पहले इनकी सुरक्षा की जरूरत है। जी जी जी, जब आप हमारे ड्यूटी जी माल चाहिए नहीं वाला कुछ नहीं करेंगे, आप पूरी में हेल्प करेंगे, प्रशासन आपके साथ में है। छठपंच की है, कोई बात नहीं।